Okay, assalamu alaikum everyone, and welcome to this class of Crash Course Pakistan Studies. Today, inshallah, we're going to cover a lot of topic, a lot of content, and especially from section 3, chapter number 12. Chapter number 12 is usually known as the ministries. Is chapter ko hum usually kya kehte hain? Chapter ko hum kehte hain ministries or the governments from 1947 till 1971. So it's a lengthy chapter, but we're going to try to finish it as soon as possible. Now, something that we have already done in the last class, if you all remember, we have studied Jinnah as the first Governor General of Pakistan, and we tried to solve the question, how successful was Jinnah as the first Governor General of Pakistan? एक सवाल आपको सॉल्व करवाया था, अगर आपको याद हो पिछली क्लास में, और मैंने उस सवाल में आपको ये बताया था कि जिन्ना हमारे मुल्क के पहले गवर्नर जनरल थे और उन्होंने बहुत सारी अर्ली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद की थी. हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जिन्ना वॉज लीडिंग द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड देर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड जिन्ना और यू कैन से द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. The same question could be asked, how successful was the first government in solving the early problems? ऐसा भी सवाल आ सकता है. और जैसे कि आपने डे प्लान में देखा होगा कि चैप्टर नंबर 11 का आखिरी सवाल दैट इज आस्क्ड फॉर 14 मार्क्स, तो उसके अंदर यही पूछा जाता है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन सॉल्विंग द अर्ली प्रॉब्लम्स, डू यू एग्री और डिसएग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर. 14 मार्क्स का सवाल ये भी इसके ऊपर बनता है. मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करूंगा that before we proceed, आज की क्लास में या पूरा का पूरा सेक्शन 3 को अगर आपको सीखना है, उसे सीखने के लिए आपको एक चीज दिमाग में रखनी होगी कि गवर्नमेंट से हमारा मतलब क्या होता है. गवर्नमेंट से हमारा मतलब ये होता है कि इन द इनिशियल ईयर्स इट यूज टू बी गवर्नर जनरल एंड द प्राइम मिनिस्टर. क्या होता था पहले, इस तरीके से होता था कि आपको दो डेजिग्नेशन ऐसे हैं जो कि लाजमी याद करने होंगे. कौन कौन से दो डेजिग्नेशन थे मेरे साथ साथ रिपीट करना. नंबर वन गवर्नर जनरल एंड नंबर टू प्राइम मिनिस्टर. जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम किया या बुरा काम किया, तो आपको याद रखना होगा कि हम गवर्नमेंट से मतलब हमारा है गवर्नर जनरल एंड द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर. टुगेदर दीज टू डेजिग्नेशंस मेक द गवर्नमेंट. नाउअडेज वी डू नॉट हैव गवर्नर जनरल, नाउ वी हैव द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर. तो आज की जबान में अगर बात करें तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं, उसी तरीके से गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर मिलकर गवर्नमेंट बनाते थे. इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं जिन्ना की तारीफ कर रहा हूँ एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे साथ ही साथ सारी की सारी सक्सेस का क्रेडिट उनके प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को भी देना पड़ेगा. याद रखिएगा बेटा मेरी बात कि गवर्नर जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर आर टू बी इक्वली क्रिटिसाइज्ड, इक्वली ब्लेम्ड एंड इक्वली अपलॉडेड. जब तारीफ होगी तो दोनों की साथ में तारीफ करेंगे, जब बुराई होगी तो दोनों की साथ में बुराई करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब ही क्या होता है कि गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर मिलकर मुल्क में रूल कर रहे हैं. सो व्हाटएवर वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास अबाउट जिन्ना सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल जिन्ना वाज ट्राइंग टू मेक द गवर्नमेंट, जिन्ना वाज ट्राइंग टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्ना वाज ट्राइंग टू मेक द टू एस्टैब्लिश द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिन्ना वाज ट्राइंग टू पर्सुएड द इंडियन गवर्नमेंट ओवर द डिविजन ऑफ एसेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा. जो जो क्रेडिट आपने जिन्ना को दिया था बिटवीन 1947 एंड 1948, गिव इक्वल क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान एज वेल, बिकॉज ही वॉज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच एक्ट्स. हमने क्लास एंड कहाँ पे की थी? हमने क्लास एंड की थी 1948 पे. 1948 पे क्यों एंड की थी? बिकॉज 1948 वॉज द ईयर वेन जिन्ना डाइड. जिन्ना की डेथ हो गई थी 1948 में, और जिन्ना की डेथ के बाद नाउ देर वॉज द न्यू गवर्नर जनरल इन पाकिस्तान, एंड दिस गवर्नर जनरल वॉज ख्वाजा नाजिमुद्दीन. और इन नए गवर्नर जनरल का नाम क्या था? इनका नाम था ख्वाजा नाजिमुद्दीन. सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वॉज मोहम्मद अली जिन्ना, एंड द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वॉज ख्वाजा नाजिमुद्दीन. बट इन द फर्स्ट गवर्नमेंट लियाकत अली खान वॉज द प्राइम मिनिस्टर, एंड इवन इन द सेकेंड गवर्नमेंट लियाकत अली खान वॉज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर. लियाकत अली खान अभी भी जिंदा थे, एज द प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे. लियाकत अली खान का टोटल प्राइम मिनिस्टरशिप का जो उनका टाइम पीरियड रहा है दैट इज फ्रॉम 1947 टिल 1951. तो ये वो दौर था जब लियाकत अली खान ने दो गवर्नर जनरल्स के अंडर काम किया वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज विद जिन्ना, एंड द सेकेंड वन वॉज विद ख्वाजा नाजिमुद्दीन. Now we move on to the possible question, that is, how successful was Liaquat Ali Khan as the Prime Minister from 1947 till 1951? Liaquat Ali Khan kis had tak ek kamyab Prime Minister rahe hain?
क्या क्या उनकी कामयाबियां थी, क्या क्या उनके फेलियर्स थे, और फाइनली हम इसमें इवेल्युएशन करेंगे कि लियाकत अली खान एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे या अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ये सवाल या ऐसा सवाल आज तक पास्ट पेपर्स में पूछा नहीं गया है। जो सवाल पूछा जाता है वो मिला के पूछा जाता है। किस तरीके से पूछा जाता है? लियाकत अली खान नंबर वन, नंबर टू ख्वाजा नाजिमुद्दीन, नंबर थ्री मलिक गुलाम मोहम्मद, या नंबर फोर इस्कंदर मिर्जा। तो इस तरीके से मिला के आता है सवाल कि इन सब में से सबसे ज्यादा कामयाब कौन था, एंड यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दी अबव, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो 14 मार्क्स का सवाल आता है डे प्लान के अंदर, आप लोग देख लेना डे प्लान के अंदर इसका 14 मार्क्स का सवाल मौजूद है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक एक प्राइम मिनिस्टर की डिटेल्स आपको बता दूंगा ताकि आपको आंसर्स लिखने में आसानी हो जाए। जब आप पैराग्राफिंग करोगे, लियाकत अली खान का पैराग्राफ बनाओगे, तो उसके अंदर सारी पॉसिबल डिटेल्स, सारी रेलिवेंट डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बताना शुरू करता हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द रिफॉर्म्स ऑफ लियाकत अली खान एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टिल 1951। एंड द फर्स्ट थिंग दैट लियाकत अली खान ट्राइड टू सॉल्व वॉज द इशू ऑफ नॉट हैविंग पाकिस्तान्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान की अर्ली प्रॉब्लम्स में से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी थी कि पाकिस्तान के पास अपना कानून नहीं था। विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पाकिस्तान यूजिंग राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस? मेरे साथ रिपीट करना, पाकिस्तान वॉज यूजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो भाई फायदा क्या हुआ मुल्क बनाने का? मुल्क आपने बनाया है इसलिए बनाया है ताकि अपने हिसाब से कानून बनाओगे, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करोगे, अपने रिलीजियस लॉस को आप इसके अंदर इंप्लीमेंट करोगे, इसलिए तो आपने मुल्क बनाया इतना लड़ झगड़ के। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जिन्हें अपनी लिमिटेड जिंदगी में कानून नहीं बना सके, अब सारी की सारी जिम्मेदारी आ गई है लियाकत अली खान के कंधों के ऊपर कि अब वो चाह रहे हैं कि मुझे कानून बनाना है। सो ही स्टार्टेड टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड द फर्स्ट पॉसिबल स्टेप वॉज टू मेक द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। साथ साथ रिपीट करना, बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। अब इसके नाम से घबराना नहीं है, नाम इसके जरा समझने की कोशिश करो। बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब होता है फंडामेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो पिलर्स हैं उसके से, ये तो फंडामेंटल की बात हो रही है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? उसूल। कमेटी का मतलब क्या होता है? कमेटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल विद द स्पेसिफिक टास्क। तो यहां पर इस ग्रुप का, ये जो आपके पास बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी है, व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी? आप जवाब दो, सर बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गिवन अ पर्टिकुलर टास्क टू मेक द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि बेटा मुझे बताइए बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी क्या होती है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? आप मुझे बताओगे कि सर बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जिन्हें एक टास्क दिया गया कि मुल्क के कानून का बेसिक स्ट्रक्चर बताना है। सो इट वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच वॉज गिवन अ टास्क टू मेक द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी सक्सेस क्या थी? इसकी सक्सेस ये थी दैट बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी इन 1949 पब्लिश्ड अ डॉक्यूमेंट नोन एज द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। 1949 में इस ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट पब्लिश की, एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट का नाम क्या था? उस रिपोर्ट का नाम था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। अब आपको ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का नाम समझ में आ गया, लेकिन आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम्स, आपके एम्स क्या है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन मींस द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। रेजोल्यूशन का उर्दू में क्या कहते हैं? करारदाद कहते हैं। किसी मसले का हल कोई प्रपोज करे, दैट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। तो यहां पर एक मसले का हल तजवीज किया जा रहा है। लियाकत अली खान की गवर्नमेंट अभी कानून बनाने की तैयारी कर रही है, कानून बनाया नहीं है ऑलरेडी। उन्होंने पहला स्टेप ये लिया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल बना दिया, ग्रुप ऑफ पीपल से कहा कि आप लोग बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर बना दो, और फाइनली एक रिपोर्ट हमारे सामने आ गई, एंड दिस रिपोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान्स कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर पाकिस्तान के कानून का बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है। अब देखिए जरा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या बातें की गई है, जरा बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया? दैट देयर वुड बी प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी followed in Pakistan, there would be freedom of speech and expression given to everyone in Pakistan, there would be equality given in Pakistan to all the citizens, justice would be served equally for all the citizens, rights of minorities would be given in Pakistan, and the legal system in Pakistan would be independent of the government. कितनी अच्छी अच्छी बातें सारी की सारी एक साथ लिख दी इन्होंने। क्या कह रहे हैं भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में? कि जितने भी
बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो पाकिस्तान में सबको दिए जाएंगे, हर किसी को आजादी होगी कि अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकें, अपने इजहार ख्याल कर सकें, जो दिल चाहे बोल सकें, जो दिल चाहे कर सकें, और सारी की सारी बातें पाकिस्तान में होगी इस्लाम के उसूलों के तहत। नया नया पाकिस्तान बना था, जज्बा भी वैसे ही है, सही है, हर चीज बड़े इस्लाम के उसूलों के तहत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। और आखिरी बात तो जरा देखिए आप, आखिरी में लिखा क्या है, लीगल सिस्टम शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो अदालत का निजाम है वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट का, हमारे गवर्नर उस जमाने में गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर का, या आज के जमाने में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का कोई भी इन्फ्लुएंस जजेस के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में इंसाफ हो, अगर आप चाहते हैं आपके मुल्क में हर तरीके से बराबरी के साथ इंसाफ हो, अदालत सही फैसला करें, उसके लिए जरूरी है कि द कोर्ट्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसी भी किस्म का कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकती ऑन द कोर्ट्स। सो दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इट वॉज अ वेरी पॉपुलर डॉक्यूमेंट, बहुत पॉपुलर डॉक्यूमेंट था, इट वॉज जनरली एक्सेप्टेड। हाँ, थोड़े बहुत क्रिटिसिजम्स थे इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल कहा गया कि इसे और मजीद इस्लामिक बनाने की जरूरत है, इसमें मजीद कुछ एडिशन करने की जरूरत है, बट स्टिल द बेसिक स्ट्रक्चर, द बेसिक आउटलाइन ऑफ अवर लॉ वॉज नाउ अवेलेबल विद इन 2 years ऑफ पाकिस्तान बर्थ। पाकिस्तान बनने के 2 साल के बाद ही इतनी बड़ी प्रोग्रेस हो गई है। लग तो ऐसा रहा है कि अभी अभी फौरन हमारे मुल्क में नया सा कानून बन के आने वाला है। फिर लियाकत अली खान ने एक और बड़ा काम किया, दैट इज द 1950 फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा? ड्राफ्ट का मतलब होता है रफ। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? रफ। इसका मतलब ये है कि लियाकत अली खान ने कानून नहीं बनाया, उन्होंने ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि उन्होंने एक रफ स्ट्रक्चर बना दिया कि हमारा कानून क्या होगा। तो जितनी बातें आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पढ़ी तो वो तो इसका ऑलरेडी पार्ट हम बना देते हैं कि फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं। अब उसके अलावा क्या कहा जा रहा है? उसके अलावा ये कहा जा रहा है दैट इन पाकिस्तान देयर वुड बी बायकैमरल सिस्टम। बहुत दफा बता चुका हूं लेकिन एक दफा और बता देता हूं। बायकैमरल मींस द सिस्टम ऑफ टू हाउसेस। बायकैमरल मींस द सिस्टम ऑफ टू हाउसेस। सिस्टम ऑफ टू हाउसेस क्या होता है कि पार्लियामेंट के हमारे 2 houses होते हैं, एक को हम कहते हैं अपर हाउस और एक को हम कहते हैं लोअर हाउस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कैपिटल के अंदर जो असेंबली बनेगी उस असेंबली के अंदर 2 houses होंगे, एक को हम कहेंगे अपर हाउस, एक को हम कहेंगे लोअर हाउस। क्या ये हम जिंदगी में पहली दफा पढ़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। पहली दफा हमने कब पढ़ा था? वी स्टडीड दिस इन 1919 मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन सेक्शन 2। सबसे पहले हमने सेक्शन 2 में पढ़ा था कि एक कानून आया था जिसका नाम था मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और उस कानून के अंदर बायकैमरल सिस्टम अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था हिंदुस्तान में। और यही चीज हमने दूसरी दफा भी पढ़ी थी, एंड दैट वाज इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि बायकैमरल सिस्टम को अंग्रेजों ने 1935 में भी कंटिन्यू किया था। तो अंग्रेज तो चले गए और पाकिस्तान हमारे पास है, मुसलमानों के पास है, और मुसलमान भी क्या कर रहे हैं? वही निज़ाम को अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वही डेमोक्रेसी, वही डेमोक्रेटिक निज़ाम जो अंग्रेज छोड़कर गए थे उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा भी बायकैमरल सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ टू हाउसेज होगा। चलें, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। उसके बाद एक कहानी आ गई, दैट इन पाकिस्तान देयर वुड बी सिस्टम ऑफ पेरिटी ऑफ सीट्स। ये जो वर्ड है पेरिटी, दिस इज अनदर वर्ड फॉर इक्वालिटी। क्या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में क्या होगा? इक्वालिटी ऑफ सीट्स होगी, बराबर सीट्स होंगी, पेरिटी की बुनियाद पर सीट्स होंगी। पेरिटी फॉर होम? पेरिटी मीन्स दैट 50% ऑफ द सीट्स इन द असेंबली वुड बी रिजर्व्ड फॉर ईस्ट पाकिस्तान, while the 50% of the seats in the assembly would be reserved for West Pakistan. Parity का मतलब क्या है? बराबरी। बराबरी का मतलब क्या है कि assembly के अंदर जितनी भी seats होंगी उसमें 50% East Pakistan को दे दी जाएंगी और 50% West Pakistan को दी जाएगी। और आखिरी बात इसके अंदर लिखी है that Urdu would become the national language of Pakistan. किसके दौर में आ रही है भाई ये सारी बातें? लियाकत अली खान के दौर में आ रही है। लियाकत अली खान कौन है? He was the closest companion of Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, the first governor general of Pakistan. तो अगर आपको याद हो लास्ट क्लास, इट वॉज जिनाह डिसीजन टू मेक उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। क्या आपको याद है कि जिनाह के सामने क्या हुआ था? जिनाह के सामने तो प्रोटेस्ट हो गए थे भाई। जो बंगाली स्टूडेंट्स थे उन्होंने नहीं देखा कि उनके सामने गवर्नर जनरल खड़ा है। जो बंगाली स्टूडेंट्स थे उन्होंने नहीं देखा कि उनके सामने फाउंडर ऑफ पाकिस्तान खड़े हुए। उन्होंने तो प्रोटेस्ट करना उसी वक्त शुरू कर दिया था कि नहीं भाई, बंगाली लैंग्वेज 56% आबादी बोलती है पाकिस्तान की,
56% population of Pakistan was Bengali and their language was Bengali language. तो आप 6% जो लोग उर्दू बोलते हैं उनकी जबान को क्यों नेशनल लैंग्वेज बना रहे हो? And the same mistake was now repeated by Liaquat Ali Khan. Liaquat Ali Khan ने draft के अंदर इस बात को document कर दिया कि उर्दू जबान को national language बनाया जाएगा. But unfortunately, this draft could not become the law in Pakistan. This draft could not become the constitution in Pakistan because it was rejected in Pakistan. First draft को reject कर दिया गया और इसके ऊपर criticisms क्या थे? इसके ऊपर criticisms थे, number one, the Bengali people, the people of East Pakistan criticized that they do not like the concept of parity of seats. जो बंगाल के लोग थे उन्होंने कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं पेरिटी ऑफ सीट्स को. हम रिजेक्ट क्यों करते हैं पेरिटी ऑफ सीट्स को? बंगाल के लोगों का कहना था हम 56% हैं, हमें सीट्स भी 56% मिलनी चाहिए, आप हमें जबरदस्ती रिड्यूस करके कन्वर्ट क्यों कर रहे हो बराबरी की बुनियाद पे, 50% क्यों कर रहे हो? वी आर 56% एंड वी वॉन्ट 56% सीट्स. नंबर टू, द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फेल्ट दैट देयर लैंग्वेज वॉज नॉट बींग प्रोमोटेड एंड दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ लियाकत अली खान for making Urdu, for deciding to make Urdu as the national language of Pakistan. उनका कहना था कि भाई बंगाली लैंग्वेज को भी अहमियत देनी चाहिए, बंगाली लैंग्वेज हमारी कौमी जबान है, हमारी कौम इतने सालों से बंगाली लैंग्वेज बोलती आ रही है, पाकिस्तान तो अभी बना है, पाकिस्तान बनने से कई सौ साल पहले से बंगाल मौजूद था और बंगाली लैंग्वेज बंगाली कल्चर हमेशा से मौजूद था, तो वो तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि भाई हम उर्दू जबान को क्यों मान लें. एंड थर्डली, द रिलीजियस पार्टीज ऑफ द कंट्री वर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड. इस मुल्क में जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी लियाकत अली खान की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, ये कहकर कि ये फर्स्ट ड्राफ्ट इज नॉट सफिशिएंटली इस्लामिक. मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि दिस फर्स्ट ड्राफ्ट इज नॉट सफिशिएंटली इस्लामिक. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर, इस कानून के ड्राफ्ट के अंदर बहुत सारे इस्लामिक पॉइंट्स को शामिल नहीं किया गया, इस वजह से हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं. And most of the politicians also rejected this because not much provincial autonomy was given in the first draft of the constitution. तो अगर आपसे पूछे कोई अगर चार मार्क्स का सवाल, why चार मार्क्स का सवाल होगा, describe the criticisms on the first draft of constitution, या what were the criticisms on the first draft of constitution, तो उसके अंदर आप ये इन चार पॉइंट्स को बताएंगे. आज तक ये सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन इसी तरीके से सात मार्क्स का भी सवाल पूछा जा सकता है कि why was the first draft of constitution rejected, तो उसमें भी आप इन चार पॉइंट्स को ऐड करोगे. इससे मिलता जुलता एक सवाल मौजूद है, अगर आपने खोल के देखा हो प्लानर को, उसके अंदर एक सवाल मौजूद है, why was it so difficult to agree on a new constitution in 1950. सवाल क्या है, पास्ट पेपर्स में देखिएगा, प्लानर में देखिएगा, प्लानर में सवाल लिखा हुआ है कि इतना मुश्किल क्यों था 1950 में कोई नया कानून बनाना. तो उसके अंदर आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आप एलैबोरेट करके लिखेंगे, अलोंग विद आप इसमें दो पॉइंट्स और ऐड करेंगे. आप इसके अलावा क्या पॉइंट्स ऐड करोगे, आप बताओगे अर्ली डेथ ऑफ जिना. आप ये बताओगे कि पाकिस्तान जब बना तो 13 महीने में ही जिना की डेथ हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान में लीडरशिप क्राइसिस हो गया, ऑल दो ख्वाजा नाजिमुद्दीन और लियाकत अली खान ने संभालने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है जिना का छोड़ा हुआ वॉइड तो फिल नहीं किया जा सकता. That's your reason number one, your paragraph number one. उसके बाद आप लिखोगे पाकिस्तान was struggling within its own self due to early problems. आप बताओगे पाकिस्तान में बहुत सारे early problems थे, उन सब का जिक्र करेंगे आप, और फिर आप बताएंगे इस वजह से कानून को बनाने के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही थी. And in your third paragraph, you can combine these points and write about the criticisms on the first draft of constitution. तो आप ये बताएंगे कि इस वजह से कानून बनाना बहुत मुश्किल हो गया था 1950 में. लेकिन देखो, लियाकत अली खान या उस जमाने के पॉलिटिशियंस कमजर्फ नहीं थे, उस जमाने के जो पॉलिटिशियंस थे उनका बहुत बड़ा दिल था. तो लियाकत अली खान ने क्या कहा, जबरदस्ती इन्फोर्स नहीं किया, नहीं बाय हुक और बाय क्रुक मैं कह रहा हूं ना ये कानून बनेगा तो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं किया. लियाकत अली खान ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, इफ दिस ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजेक्टेड, अगर इसे रिजेक्ट कर दिया गया है, सो वंस अगेन बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी वॉज गिवन द टास्क to make once again the new draft of constitution. लियाकत अली खान ने कहा कोई बात नहीं, अगर ये अप्रूव नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बीपीसी को दोबारा से ये कहा गया कि आप लोग दोबारा से वर्किंग शुरू करें और एक बेहतर कानून बनाने की कोशिश करें. मीनवाइल लियाकत अली खान ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ नोन एज प्रोडा. प्रोडा नाम से एक नया लॉ लेकर आ गए लियाकत अली खान, और इस लॉ का फुल फॉर्म क्या है, इट स्टैंड्स फॉर पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव्स officers
डिसक्वालिफिकेशन एक्ट। तीन से चार बार रिपीट करो अपने पास, प्रोडा का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिसक्वालिफिकेशन एक्ट। प्रोडा का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिसक्वालिफिकेशन एक्ट। अब जरा समझने की कोशिश करो, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स, इन इजी वर्ड्स वी टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के डिसक्वालिफिकेशन का एक्ट है, यानी कि उनको डिसमिस करने वाली अथॉरिटी यहां पर आ गई है। डिसमिस करने का मतलब क्या है, डिसमिस करने का मतलब यह है कि इफ एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन और मिसकंडक्ट, देन द गवर्नर जनरल हैड द पावर टू इवन डिसमिस दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल। अगर गवर्नर जनरल को लगता है कि कोई ऐसा बंदा है जिसने कोई गलत काम किया है, मिसकंडक्ट किया है, किसी किस्म की करप्शन की है, तो ऐसे बंदे को डिसमिस कर दिया जाएगा। तो दिस वॉज अ वेरी गुड लॉ टू कर्टेल द करप्शन इन द कंट्री, मुल्क में करप्शन को खत्म करने के लिए एक बहुत अच्छा कानून है। बट डोंट यू थिंक दिस इज लाइक गिविंग टू मेनी पावर्स टू द गवर्नर जनरल? ये तो आप गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा पावर्स दे रहे हो। लेट सपोज इन द फ्यूचर गवर्नमेंट गवर्नर जनरल का दिल चाह रहा है किसी को भी डिसमिस करने का, तो वो तो किसी को भी डिसमिस कर सकता है। तो गवर्नर जनरल को इतनी पावर मिली कहां से? याद कीजिए बेटा, पाकिस्तान में अपना कानून तो था नहीं। पाकिस्तान में कौन सा कानून चल रहा था? पाकिस्तान में चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया किसने था? अंग्रेजों ने बनाया था। तो अंग्रेजों ने जो लॉ बनाया था उसके हिसाब से उन्होंने गवर्नर जनरल को अथॉरिटी दी हुई थी कि जिससे चाहे अपॉइंट कर ले, जिससे चाहे डिसमिस कर दे। और साथ ही साथ पाकिस्तान बनने के बाद हमने इसमें लेकर आ गए प्रोडा। प्रोडा क्या है? पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। मींस इफ एनीवन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन और मिसकंडक्ट, द गवर्नर जनरल हैड द अथॉरिटी टू डिसमिस दैट पर्सन। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि गवर्नर जनरल की कितनी ज्यादा अथॉरिटी हम अपने मुल्क में बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेट्स सी इन द फ्यूचर कि इसका मिसयूज भी होना शुरू हो जाएगा। नाउ अदर देन दैट, देयर वर सम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स आल्सो डन बाय लियाकत अली खान। फॉर एग्जांपल, ही अपॉइंटेड द फर्स्ट एवर मुस्लिम एंड पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, एंड दिस पर्सन वॉज जनरल अयूब खान। अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था दैट वन ऑफ द अर्ली प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान वाज दैट पाकिस्तान डिड नॉट हैव इट्स ट्रेन्ड आर्मी। पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल में से एक मसला क्या था कि पाकिस्तान के पास अपनी एक ट्रेन्ड आर्मी मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान को ब्रिटिश जनरल्स को अपॉइंट करना पड़ा था एज द कमांडर इन चीफ, और हमने एक नाम पढ़ा था जिसका नाम था डोगलस ग्रेसी। जनरल डोगलस ग्रेसी वॉज द वन who was leading Pakistani troops in the Kashmir war with India. Lekin Jinnah ke orders ke bawajood Douglas Gracie refused to fight. Aur jisse pata chalta hai ki bhai hamara mulk hai, hamara apna commander in chief hona chahiye, kyunki agar hum British ko appoint kar bhi le to British kisi kaam ke nahi hai, wo Pakistan se itne zyada sincere nahi honge. So the new commander in chief was appointed in 1951 during the time of Liaquat Ali Khan, and this person was जनरल अयूब खान। मजीद हम इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इसके अलावा, दिस पर्सन जनरल अयूब खान रिवील्ड समथिंग नोन एज द रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी। जनरल अयूब खान ने कमांडर इन चीफ बनने के बाद एक चीज बताई लियाकत अली खान को, और उस वाक्य को हम कहते हैं रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी। ये रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी क्या चीज है? कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश करना। रावलपिंडी इसका नाम क्यों है? बिकॉज रावलपिंडी इज एंड रावलपिंडी वाज द जनरल हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। सही है, जो आर्मी का हेडक्वार्टर है पाकिस्तान में वो कहां पर मौजूद है? वो रावलपिंडी में मौजूद है। तो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है? रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी का मतलब ये है कि रावलपिंडी से बैठ के देयर वर सम आर्मी ऑफिशियल्स हु आर प्लानिंग to overthrow the government of Liaquat Ali Khan, and this plan was revealed by General Ayub Khan to Liaquat Ali Khan, the Prime Minister. Ayub Khan ne jaake Liaquat Ali Khan ko bataya ki sir dekhen, kuch log hai main janta hu army mein, aur wo aapke khilaf pura ka pura plan bana ke baithe hain ki aapki government ko overthrow karna hai. Mera kaam hai bilkul imandari ke sath aapko aake batana, to main isliye pura plan aapko reveal karke bata raha hu. जब लियाकत अली खान को ये बात पता चली तो लियाकत अली खान ऑब्वियसली हैड दोज आर्मी ऑफिशियल सस्पेंडेड, उन्हें पनिशमेंट दी गई, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एंड फॉर्चुनेटली लियाकत अली खान
prevented his government from falling, और लियाकत अली खान की गवर्नमेंट गिरने से बच गई. Meanwhile, लियाकत अली खान के डोमेस्टिक कुछ रिफॉर्म्स तो हमने पढ़ लिए. अब चैप्टर नंबर 16 की बात करते हैं. चैप्टर नंबर 16 इज योर फॉरेन रिलेशंस. तो मैं चैप्टर नंबर 16 आपको साथ साथ में पढ़ाता रहूंगा. तो लियाकत अली खान के दौर में पाकिस्तान के क्या रिलेशंस थे विद इंडिया? पाकिस्तान के रिलेशंस ऑब्वियसली हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के दौर में अच्छे नहीं थे. कैसे अच्छे नहीं थे, मैं कैसे फेलियर कह सकता हूँ? देखिए बेटा, फेलियर नंबर 1 इज द कश्मीर वॉर. देखो, वॉर होना हमेशा फेलियर में लिखना चाहिए. क्यों? वॉर कोई अच्छी चीज नहीं है. वॉर से नुकसान होता है, महंगाई बढ़ती है, लाखों लोगों की जाने जाती हैं, इतना ज्यादा आपका वेपन इस्तेमाल होता है, पैसा इस्तेमाल होता है. तो वॉर अच्छी चीज नहीं है. तो वॉर इज अ डिप्लोमेटिक फेलियर. द फर्स्ट इशू दैट पाकिस्तान फेस वॉज इन द फॉरन फ्रंट दैट वी डिड नॉट हैव गुड रिलेशन विद आर नेबर, दैट वॉज ड्यू टू कश्मीर वॉर. अब मैं सिर्फ सारा का सारा ब्लेम सिर्फ और सिर्फ लियाकत अली खान को नहीं दे रहा, जाहिर सी बात है इंडिया की भी गलती थी और जिसकी वजह से ये वॉर हुई है. लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे हैं लियाकत अली खान की एज द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में काम ये होना चाहिए था कि किसी तरीके से नेगोशिएट करके वॉर को एवर्ट कर लिया जाता, बट दिस वॉर हैपेंड. अच्छा चलो, वॉर हो भी गई. फिर पाकिस्तान का मकसद क्या था? वॉर जीतना. पाकिस्तान का मकसद ये था कि हम लोग कश्मीर को फतह कर सकें, लेकिन हम नहीं कर सके, तो अल्टीमेटली इट्स कॉल्ड अ फेलियर. एंड देन अदर देन दैट देयर इज डिविजन ऑफ एसेट्स. डिविजन ऑफ एसेट्स में पाकिस्तान को इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर पैसा मिला है, जैसे कि हमने पढ़ा था. सो हिज गवर्नमेंट एक्चुअली पर्सुएडेड इंडिया टू गिव पाकिस्तान्स ड्यू शेयर ऑफ एसेट्स. फिर पाकिस्तान में कैनाल वाटर डिस्प्यूट हुई, और कैनाल वाटर डिस्प्यूट भी एक फेलियर में समझा जाएगा. फेलियर में क्यों समझा जाएगा? बिकॉज पाकिस्तान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लियाकत अली खान वॉज बाइंग वाटर फ्रॉम इंडिया. जब ये कैनाल वाटर डिस्प्यूट हुई, इंडिया ने पाकिस्तान में आने वाले पानी को रोक लिया. फिरोजपुर और गुरदासपुर से जो दरिया आते थे, जो हेडवर्क्स आते थे, उन्हें बंद कर दिया. जब पाकिस्तान में पानी नहीं आएगा, तो पाकिस्तान में उस जमाने में इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकता. एग्रीकल्चर नहीं करोगे तो भाई, एग्रीकल्चर नहीं करोगे तो फूड की प्रोडक्शन नहीं होगी. फूड की प्रोडक्शन नहीं होगी तो महंगाई हो जाएगी, खाना आपके मुल्क में महंगा बनेगा, और आपको फिर इम्पोर्ट भी करवाना पड़ेगा. बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, मर भी जाएंगे, स्टारवेशन हो सकती है. तो कैनाल वाटर डिस्प्यूट का सॉल्यूशन लियाकत अली खान नहीं निकाल सके. उन्होंने एक टेम्परेरी सेटलमेंट कर ली, और टेम्परेरी सेटलमेंट के मुताबिक पाकिस्तान वॉज नाउ बाइंग वाटर फ्रॉम इंडिया. पाकिस्तान पानी खरीदने पे मजबूर हो गया था. आई बिलीव इट वॉज नॉट अ गुड सॉल्यूशन. मेरी नजर में ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं था. अच्छा सॉल्यूशन क्यों नहीं था? क्योंकि भाई, अगर इंडिया ने प्राइस बढ़ा दी तो आप क्या करोगे? आप तो डिपेंडेंट हो गए इंडिया के ऊपर. अदर देन दैट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लियाकत अली खान देयर वॉज ऑल्सो अनदर इशू, एंड दैट वॉज द एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. इंडिया ने हैदराबाद दक्कन पे कब्जा कर लिया, इंडिया ने अपनी आर्मी भेज के जूनागढ़ पे कब्जा कर लिया, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इस चीज को कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सके. लेकिन एक काम अच्छा था इनका, एंड दैट वॉज ही ट्राइड टू सॉल्व द इशू ऑफ माइग्रेशन, द इशू ऑफ रेफ्यूजीज, एंड द इशू ऑफ कम्युनल वायलेंस. अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने पहली प्रॉब्लम आपको बताई थी, माइग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड कम्युनल वायलेंस. तो माइग्रेशन क्या? जब इंडिया पाकिस्तान बना और नई नई बाउंड्रीज बन रही थी, जब बहुत बड़े लेवल के ऊपर माइग्रेशन होना शुरू हो गई थी, इतने सारे लोग बेघर हो गए थे, डिस्प्लेस हो गए थे, कुछ लोग नॉन मुस्लिम जो थे हिंदुस्तान डर डर के भाग रहे थे, बहुत सारे मुसलमान डर डर के पाकिस्तान आ रहे थे, और हर किसी को डर था अनसर्टेनिटी की वजह से, यार मैं तो कत्ल हो जाऊंगा, या तो मुझे सिख मार देंगे, या मुझे मुसलमान मार देंगे, या मुझे हिंदू मार देंगे, इन्हीं चीजों का डर रहता था. तो ये रिलीजन के नाम पे किलिंग को हम कहते क्या अंग्रेजी में? हम कहते हैं कम्युनल वायलेंस. कम्युनल वायलेंस को रोकने की कोशिश की और एक पैक्ट साइन किया. इस एग्रीमेंट का नाम है लियाकत नेहरू पैक्ट. लियाकत अली खान वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड टुगेदर दे साइंड अ पैक्ट नोन एज द लियाकत नेहरू पैक्ट. लियाकत नेहरू पैक्ट के मुताबिक इस बात को डिस्कस कर लिया गया कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी माइनॉरिटीज हैं, आज से वो हमारे हैं, और पाकिस्तान उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा और उन्हें संभालेगा, उन्हें प्रोटेक्शन देगा और उनकी किलिंग को रुकवाएगा. सिमिलरली, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो एग्रीड दैट ऑल दोज मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया आर नाउ इंडियन. इंडिया में रहने वाले जो भी मुसलमान हैं, अब वो हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि उनके जानो माल की, इज्जत आबरू की हिफाजत करे. जिस तरीके से हम अपनी माइनॉरिटीज की हिफाजत करेंगे, आप भी अपनी माइनॉरिटीज की हिफाजत करो, ताकि लोग माइग्रेट ना करें, ताकि लोग रेफ्यूजी ना बने, ताकि लोग कम्युनल वायलेंस की तरफ रिजॉर्ट ना करें. एंड सो दिस वॉज अ वेरी गुड एक्ट, अ वेरी गुड पैक्ट.
लेकिन क्या इससे कत्ल होना खत्म हो गए? आज हम 2022 में रह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी भी इसी तरीके के कम्युनल वायलेंसेस चलते रहते हैं। बहरहाल उस जमाने में इट वॉज अ गुड थिंग, यू कैन राइट इट इन योर सक्सेस। अच्छा, उस जमाने में जब जिन्ना मरने से पहले एक बात कह के गए थे, एंड दैट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। जिन्ना ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन कर दिया था। जिन्ना के अल्फाज सुनेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि पाकिस्तान किसी की बात ना सुने, पाकिस्तान वो करे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, किसी से डिक्टेशन नहीं ले। पाकिस्तान को कोई आके कहे नहीं तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए, तो पाकिस्तान उसकी बात नहीं माने। मतलब पाकिस्तान को क्या रहना है, पाकिस्तान को नॉन अलाइंड रहना है, पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए। अब देखो, जिन्ना ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कहा कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, किसी और का इन्फ्लुएंस हमें नहीं लेना चाहिए। और उस जमाने में दो बड़ी सुपर पावर्स थी, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। जिन्ना के मुताबिक हमें नॉन अलाइंड रहना चाहिए, यानी कि हम किसी एक की तरफ इंक्लाइन ना कर जाएं। ऐसा ना हम बहुत ज्यादा प्रो यूएस हो जाएं या प्रो यूएसएसआर हो जाएं। नहीं, ठीक है, दोनों सुपर पावर्स होंगे, लेकिन पाकिस्तान का काम यह है कि पाकिस्तान दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए। तो उस जमाने में द फर्स्ट इन्विटेशन केम फ्रॉम यूएसएसआर। बेटा, आसान अल्फाज में यूएसएसआर इज टूडेज रशिया। आज के हिसाब से अगर आप बताऊं तो यूएसएसआर क्या है, रशिया है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो सबसे पहले लियाकत अली खान को इनविटेशन आई यूएसएसआर से, क्या आप हमसे मुलाकात करने के लिए आ जाएं। बट लियाकत अली खान वॉज टू लेजी टू गो टू रशिया, वो मुलाकात करने नहीं गए। एंड देन ऑलमोस्ट इमीडिएटली यूएसए गेव द इनविटेशन टू पाकिस्तान एंड लियाकत अली खान इमीडिएटली विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और लियाकत अली खान फॉरन ही यूएसए विजिट करने चले गए। अब देखो इसमें मसला क्या है, रशिया और अमेरिका आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। अगर आपने रशिया की दावत को कबूल नहीं किया और यूएसए की दावत को आपने कबूल कर लिया और फॉरन से चले गए, इसका मतलब क्या है, दैट पाकिस्तान वुड नाउ हैव पुअर रिलेशन विद रशिया। हमारे ताल्लुकात रशिया से खराब हो गए, उसकी बुनियाद ही गलत डल गई। हमारे जो मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रशिया से दोस्ती नहीं की, वो पहले चले गए यूएसए। इसकी वजह से यूएसए से ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, लेकिन रशिया से हमारे ताल्लुकात शुरू में ही खराब हो गए। चले मजीद खराब करते हैं ताल्लुकात को। मजीद खराब कैसे करेंगे, पाकिस्तान ऑल्सो साइन ट्रेड अग्रीमेंट्स विद यूएसए, पाकिस्तान ऑल्सो गॉट मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम यूएसए, कर लें जी। अब देखो मसला क्या हो रहा है, अगर पाकिस्तान मिलिट्री असिस्टेंस ले रहा है यूएसए से, तो जाहिर से बात है ये जो मिलिट्री असिस्टेंस है वो यूएसएसआर के अगेंस्ट इस्तेमाल होगी। इस वजह से यूएसएसआर एंड पाकिस्तान स्टार्टेड ऑफ विद पुअर रिलेशंस। पाकिस्तान के ताल्लुकात उस जमाने में रशिया के साथ अच्छी तरह से शुरू नहीं हो सके। इंस्टेड रशिया ने दोस्ती इंडिया से कर ली। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनकेस वॉर होती है तो ये है पाकिस्तान, ये है रशिया, ये है इंडिया। अगर पाकिस्तान की वॉर होती है इंडिया के साथ, तो रशिया फॉरन से मदद के लिए आ सकता है और पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। यूएसए तो कहीं दूर बैठा हुआ है, तो यूएसए को आने में ही टाइम लग जाएगा। सही है, तो मींस पाकिस्तान, आई बिलीव, मेरा ये ओपिनियन है, हो सकता है आपकी नज़र में चेंज हो, मेरी नज़र में ये एक गलत फैसला था। एंड देन अनफॉर्चुनेटली इन 1951 लियाकत अली खान वॉज असैसिनेटेड इन रावलपिंडी एंड इन अ पार्क, दैट पार्क टूडे इज नोन एज लियाकत बाग। और वहां पर लियाकत अली खान एक जलसे से खिताब कर रहे थे जब किसी ने आके इनके ऊपर गोली चलाई, एंड दिस इज हाउ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज असैसिनेटेड।